वहाँ क्या व्यू है मदुराई सिटी के बाहर में। सो वेलकम टू मदुराई सिटी। तो काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं जो कि खाली पैर घूम रहे हैं। मदुराई के मीनाक्षी अम्मा टेंपल में अभी जो करंट स्ट्रक्चर है ये सिर्फ 1/4 है इस पैलेस का, और गूगल के हिसाब से 5 घंटा 22 मिनट बता रहा है, 240 किलोमीटर आगे का टूट गया। तो 1400 रुपया के आसपास मेरा खर्चा पड़ गया, 2 लीटर तेल मेरा निकाल दिया है। बहुत जगह बोर्ड में लिखा हुआ ऑटो LPG। आज का तो पूरा दिन ही बर्बाद है। अब देखो और एक कांड हो गया, इसकी सुंदरता तो नेक्स्ट लेवल है भाई। देखो या तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है या तो रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, ये पूरा जाम है। वेलकम टू कोयम्बतूर। इतना सुंदर सा लेक है, रोड वाज क्लोज्ड, सब महादेव की कृपा। इतना प्रॉब्लम आने के बावजूद हो गया यहाँ पे कांड साला। यहाँ पे बहुत ही ख़राब मिस्त्री था, लगभग इतना टाइम ले लिया ना क्या ही बोले। अभी टाइम हो गया 3:46, यानी कि आज लेजर शो भी मिस कर जाएंगे मेरे ख्याल से, और साथ ही दिन का व्यू भी मिस कर जाएंगे। गया मेरा सब कुछ, इतना पूरा बेकार दिन चल गया। और इतना ख़राब लेवर था, इतना ख़राब मतलब इतना टाइम ले लिया, इतना टाइम कौन लेता यार, तीन घंटा ले लिया, दो से तीन घंटा ले लिया। अब देखते हैं आदि योगी सुबह का, यहाँ से तो 154 किलोमीटर दिखा रहा और 3 आवर 25 मिनट दिखा रहा, यानी 7:12 पहुँचने में, लेकिन मेरा तो 8:30 हो जाएगा पहुँचने में, क्योंकि एक स्टॉप बीच में देना भी पड़ेगा। देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं जब खाने गया था उन्होंने मेरा पेट्रोल निकाल लिया, क्योंकि पेट्रोल इतना ज़्यादा फुल था, इतने 1 में कहा कैसे आ गया, मुझे ऐसे ही डाउट लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये पूरा सेट चेंज करना पड़ा मेरा, टोटल पकड़े तो 1400 रुपये के आसपास मेरा खर्चा पड़ गया, टोटल सारा चीज़ मिरर और ये सारा चीज़ मिला के। बहुत अच्छा खासा गच्चा लग गया भाई, बहुत अच्छा खासा गच्चा लग गया। और मिस्त्री भी साला ऐसा मिस्त्री था कि इतना टाइम लगा दिया छोटा सा काम के लिए। पूरे ट्रिप में मैंने जितना स्पीड नहीं चलाया अभी उतना स्पीड मुझे मेंटेन करना पड़ रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस ये है कि मैं लेजर शो मिस कर जाऊंगा। दिन का व्यू तो मिस कर ही चुका हूं, लेकिन लेजर शो भी मिस कर जाऊंगा मेरे ख्याल से। 4 बज गए, शाम के 4 बज गए और अभी भी 145 किलोमीटर और है। मदुराई घूमने के चक्कर में इधर लेट हो गया, इधर लेट हो गया, फिर उसके चक्कर में तो लेट नहीं हुआ, उसके चक्कर में उधर से तो मैं ठीक ही चल रहा था, लेकिन नहाने के चक्कर में क्या सोचा, बाइक छाँव में रखूँ बाइक को, ले तेरी बाइक छाँव में रखने के चक्कर में बाइक गिरा उधर, और सब 1500 रुपये आसपास का गच्चा लगा दिया पूरा, बाइक लग गया रिजर्व में। पक्का ये बात पक्का फिक्स है कि 2 लीटर तेल मेरा निकाल दिया है, जब हम खाने गए थे उस समय पक्का फिक्स श्योर 2 लीटर तेल निकाल दिया है। छोटा सा पहाड़ को देखो ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे ये जो डिंडीगुल हाईवे हम लोग पकड़े हुए हैं, ये स्टेट हाईवे है लेकिन बहुत ही मक्खन हाईवे है, पूरा नेशनल हाईवे की जैसा। फुल टैंक। थोड़ा सा पेट्रोल लेने रुका तो गूगल टाइम को 7:12 से 7:18 बता दिया, और एक एक मिनट जैसे जैसे पड़ रहा ऐसे ऐसे धड़कन धक धक कर रहा है, क्यों लेट हो रहा हूँ यार इतना। तो अभी हम लोग धारापुरम में है, धारापुरम, और यहाँ से पल्लडम ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर है, और इसी बीच ट्रैफिक आ गया। अरे यार ये ट्रैफिक ना, जल्दी खुलो ना यार। अब मुझे पता चला गूगल इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिखा रहा, ट्रैफिक के बीचों बीच हमें लेके जाया जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, टाइम तो लगेगा ही। जिस दिन मैं तमिलनाडु घुसा उस दिन से मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोर्ड में लिखा हुआ ऑटो LPG उसके बाद इतना किलोमीटर, तो LPG में भी हो सकता कि मतलब खुद से रिफ़िल करने के लिए, मीन्स आप खुद से रिफ़िल कर सकते हो, वहाँ पे इतना पैसा दीजिए और खुद से रिफ़िल कीजिए या कुछ, मुझे ठीक से नहीं पता। अगर कोई तमिलनाडु से है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, या तो इंस्टाग्राम आकर प्लीज़ बताना इसके बारे में ऑटो LPG क्या है। और अगर इसके अलावा अगर तमिलनाडु से नहीं है फिर भी आपको पता है ऑटो LPG के बारे में, देन प्लीज़ इन्फॉर्म मी।
ताकि मुझे भी इसके बारे में पता चले। आज का तो पूरा दिन ही बर्बाद है। अब देखो और एक कांड हो गया, ये वाला दोनों मतलब एक तो पता नहीं पहले एक निकल गया था और एक निकल गया है यहाँ पे, निकल के कहाँ गिर गया अभी पता नहीं। तो मैंने इधर वाला इधर डाल दिया, रिस्क है बस। वो हाईवे छोड़ के इस रास्ते में आना पड़ा हमें और 97 किलोमीटर है, 727 की हम दिखा रहा हूँ। माय गॉड, केले के पेड़, नारियल के पेड़ और ताल के पेड़ इधर हर हर के आपको मिलेंगे, हर जगह मिलने देखने को मिल जाएगा, हर जगह पूरा घर भर के। और भाई बहुत सही लगता है, एक ही साथ इतना सारा रहता है ना, बहुत सही लगता है, बहुत सही। इसकी सुंदरता तो नेक्स्ट लेवल है भाई। देखो केले के पेड़, पूरा बगीचे में पूरा बगान लगे हुए केले के पेड़ को, बहुत सही बहुत सही। तो 73 किलोमीटर और बचा हुआ है और गूगल टाइम दिखा रहा है 2 घंटा 10 मिनट, यानी कि आगे या तो रास्ता बहुत ख़राब होगा या तो बहुत जाम होगा, ट्रैफिक जाम। तो 10 से 15 मिनट का रेस्ट देते फिर निकलते हैं। टाइम हो चुका है 5:17 PM, 5:30 बजे निकल जाएंगे। चलो टाइम हो चुका है 7:30, जैसे 7:30 बजा वैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया 15 मिनट का बाइक को रेस्ट दे के। अभी बस 15 मिनट का बाइक को रेस्ट दे रहा हूँ और यहाँ से 73 किलोमीटर बचा हुआ है आदि योगी शिवा स्टैचू, और टाइम दिखा रहा 2 hours 11 minutes 73 किलोमीटर का, मतलब ट्रैफिक आप समझ सकते हो, या तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है या तो रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, दोनों में से कोई एक चीज़ है। अब देखते हैं कितना लगता है। अभी टाइम हो रहा 5:30 और गूगल दिखा रहा 73 किलोमीटर कवर करने में 7:41 बज जाएगा। लेट्स सी, NH81 पकड़ रहे लेकिन पता नहीं कितना देर के लिए। और अच्छा, ये सिटी के लिए ट्रैफिक गूगल इसलिए बता रहा है, ऐसा करोगे गूगल सच बताओगे क्या? अच्छा, तो इन्हीं सब रीजंस के कारण गूगल इतना ज़्यादा टाइम बता रहा 67 किलोमीटर को 2 hours 2 minutes, यही सब रीजन के कारण। लेट्स सी क्या होता है आज। जिंदगी सारा रा मोटर गाड़ी में, जैसे ही सिग्नल क्लियर हुआ भागो इससे पहले कि दूसरा गाड़ी सब आके आगे जाम लगा दे। बतूर और 26 किलोमीटर है और आदि योगी शिवा 55 किलोमीटर, ऊटी 112 किलोमीटर। ऊटी में सोच रहा था लेकिन फिर मैंने मदुराई का प्लान है, मदुराई में रुक गया तो उधर से इधर आने में फिर इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ऊटी ऐसा में मेरा प्लान में था ही नहीं, मैं ऐसे ही मतलब राइड में निकलने के बाद जब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तब सोच रहा था कि अच्छा चलो उधर सामने, फिर सोचा नहीं छोड़ो हटा। क्या ही स्पीड मेंटेन करना पड़ रहा आज, क्या ही स्पीड मेंटेन करना पड़ रहा पूरे राइड में, पूरा ट्रिप में अभी तक इतना स्पीड मैंने मेंटेन नहीं किया है। ये पूरा जाम है, थोड़ा सा ट्रैफिक उधर खुल मीन्स हल्का खुल रहा फिर इधर बंद हो रहा, फिर इधर खुल रहा इधर बंद हो रहा, ऐसे हो रहा है। इसीलिए इतना लंबा लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम है। ऑपरेशन वेलकम से, सो वेलकम टू कोयम्बतूर। कोयम्बतूर हम पहुँच चुके हैं और आदि योगी शिवा यहाँ से और 41 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा 1 hour 10 minutes और आने की क्या होगा यार अब देखते हैं। इतना अरे बाप रे बाप, आगे क्या ही ट्रैफिक है, क्या ही ट्रैफिक है, हालत ख़राब वाला ट्रैफिक है। तो कितना लंबा जाम है पीछे, बहुत पीछे ट्रैफिक, इतना लंबा जाम। हम लोग भी, मैं भी उसी टाइप का जाम में फंसा हुआ था लेकिन किसी तरह साइड वाइड से निकाल के भगाया गाड़ी को जैसे ही ट्रैफिक क्लियर हुआ। पैदल फुटपाथ में गाड़ी उठा के उड़ा दिया। बाकी लोग मेरे को देख रहे थे, बाहर का आया हम लोग खड़े और ये फुटपाथ से लेके आगे बढ़ गया। इतना सुंदर सा लेक है सिटी के बीच में, वाओ वाओ यार वाओ, अति सुंदर
अति सुंदर अति सुंदर कोयम्बतूर, देख रहे हो बॉस कोयम्बतूर का ट्रैफिक, ये आज हमें पहुंचने देने से रहा। उस समय हम लेक के उस पार थे, अब लेक के इस पार आ गए और कितना सुंदर लग रहा है। काफ़ी लोग हैं इस लेक में, लेक का नाम पेरियाकुलम, पेरियाकुलम लेक में हम लोग। धीरे धीरे मैं लेजर शो का उम्मीद छोड़ने लगा हूँ, लेजर शो का होप छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 6:38 PM हो गया और 26 किलोमीटर और बचा हुआ है और टाइम दिखा रहा 48 मिनट। इतना टाइम बाद थोड़ा सा खाली रास्ता मिला आगे लेक का साइड साइड, लेकिन लेक का साइड साइड इधर ठंडा ठंडा हल्का मौसम लग रहा है। ऐसे तो बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हल्का हो सा ठंडा ठंडा, जबकि आज 29 दिसंबर हो चुका है। यहाँ पे कोई एक टेंपल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। 6:57 हो चुका है और अभी और 12 किलोमीटर बाकी है और 23 मिनट दिखा रहा अभी और पहुंचने में। अगर ऐसे रास्ता रहा फिर तो 23 मिनट शायद से नहीं लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं। 5 किलोमीटर दूर है और इधर काफ़ी सारे गाड़ियां आ रही है, मीन्स वहीं से आ रहे हैं शायद, काफ़ी सारे कार हो गया, ट्रेवलर बस हो गया, बहुत सारे। देखिए, खैर ये तो ट्रक था, ये बस सब काफ़ी मीन्स काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर रोड क्लोज्ड है और इसी धोखे में सब आ गए। रोड वाज क्लोज्ड, वी शुड हैव टू गो फ्रॉम दैट साइड। सॉरी, वी डोंट नो द रोड। या वी डोंट नो द रोड, वी केम फर्स्ट टाइम। आई एम आल्सो केम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फ्रॉम वेयर वी शुड गो? दैट साइड मैप वाज शोइंग। चल भाई, गूगल ने धोखा दे दिया आज फिर से, अंदर वाला रास्ता लेके आया और वहाँ पे शायद लेजर शो चल रहा है अभी, इतना आवाज़ आ रहा है और 7:16 हो गया, मिस कर गया मैं तो। सो चलो, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे और बस कुछ ही देर, 1.4 किलोमीटर दिखा रहा है। ईसा योगा सेंटर में हम पहुँच गए, ईसा योगा सेंटर में ईसा फाउंडेशन द्वारा आदि योगी शिवा का स्टैचू बनाया गया है और वहाँ चल के स्टैचू के बारे में आपको सारे चीज़ बताएंगे। लगभग 42 फीट टॉल स्टैचू, 42 फीट लंबा स्टैचू है एंड ये शिव भगवान का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो चलते हैं वहाँ, आपको सारी चीज़ दिखाएंगे और सारी चीज़ बताएंगे एक एक करके। गो या ओके से या ओके ओके तो चलो पार्क करते हैं यहाँ पे और आगे चलते हैं। तो आज क्या ही खतरनाक स्पीड मेंटेन करना पड़ा भाई, मतलब दिन भर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ फिर भी लास्ट तक 100 तक मैं पहुंच गया। 100 अगला वीडियो में आपको दिखाऊंगा एंड यहाँ के बारे में भी अगला वीडियो में बताऊंगा आदि योगी शिवा के बारे में। तो काफ़ी देर पहले ही मैं पहुँच चुका था, लेजर शो भी देख लिया, मैं जस्ट बाइक पार्क किया और लेजर शो स्टार्ट हुआ। ओ भाई साहब, क्या ही सब महादेव की कृपा, इतना प्रॉब्लम आने के बावजूद फिर भी पहुंच गया। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, अब उसके बाद यहाँ का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर मुझे निकलना भी आज यहाँ से, तो कहाँ निकलूँगा वो उसके बाद वाला वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को रखते हैं, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा।